ब्लॉग तो फर्स्ट ब्लॉग लेके आया हूँ मैं अपनी वीआर एकेडमी का, या मैं कहूँ कि हमारी वीआर एकेडमी का। और आपने कहा था कि एकेडमी दिखाइए, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज है, क्योंकि स्पेशली ऑफलाइन स्टार्ट होंगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो फर्स्टली आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे है क्या, किस तरह से सारा सिस्टम मैनेज होता है। सो अभी न्यू है, अभी केवल स्टाफ आएगा तो अभी केवल मैं ही हूँ यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बैकग्राउंड दिखाऊंगा यहाँ का, क्योंकि अभी मैं इस तरह से बैठा हूँ कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा सस्पेंस है। ये थोड़ा बाहर का व्यू है, बट बाहर जो है लाइट कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रोड जो है साथ में है। देखिए डॉगी भी बाहर बैठा हुआ है, पहरेदार कह सकते हैं। ओके, तो बाहर का ये सारा का सारा व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये है बाहर का व्यू, अब अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो मेन कंप्यूटर रूम में जाने से पहले आपको क्लासरूम दिखाऊंगा, एंड उससे पहले बाहर का जो रिसेप्शन है वो दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे बाहर जो रिसेप्शन है, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे सबसे पहले। और यहाँ की चेयर नहीं है, क्योंकि मैं उसे कंप्यूटर रूम में ले गया। कंप्यूटर रूम में क्यों? क्योंकि भाई एक ही चेयर है, वैसे चेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, मगर जो मेन चेयर है बैठने वाली आराम से, क्योंकि पूरा दिन बैठना है उसके ऊपर, तो उसको शिफ्ट कर देते हैं आगे पीछे। ओके, तो ये हमारा बाहर का हो गया। एक यहाँ पे लैपटॉप है काफ़ी पुराना, एंड हमारा यहाँ पे प्रिंटर है, कोई भी प्रिंट आउट निकालना हो, नोट्स निकालने हो, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। एंड ये हमारे गॉड जी, जिनकी मदद से ये सारा संभव हो पाया है। ओके, तो ये हमारा बाहर का रिसेप्शन है, आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा डेकोरेशन हम नहीं करते हैं, अभी यहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशन होगी। तो फर्स्टली क्लास रूम की तरफ चलते हैं। वैसे लाइट में जगाने वाला नहीं था, बट चलिए जगा दी। यहाँ पे बहुत गंद है, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, गंद तो नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर लाए थे वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है सारी। ओके, तो अभी तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी नीचे है। ओके, तो ब्लैक बोर्ड नीचे क्यों है? क्योंकि अभी बड़ा ब्लैक बोर्ड आ रहा है, ये 3x2 का है, अब 6x4 का ब्लैक बोर्ड आ रहा है। 6x4 का ब्लैक बोर्ड इसीलिए आ रहा है ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिल सके, ज़्यादा कंटेंट उसके ऊपर आ सके। और ये हमारा स्टैंड है, इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, आप कुछ भी इसके ऊपर हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा। अब चलते हैं मेन कंप्यूटर रूम की तरफ, इतना सा ब्लॉग बनेगा, ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। ओके, तो ये हमारा रूम है, यहाँ पे लाइटिंग भी, अगर हम आपको दिखाएं, लाइटिंग यहाँ से चलती नहीं है, पता ही कुछ नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमने कंप्यूटर के ऊपर ही सारी वीडियोस बनाई है। ओके, सो ये है हमारा मेन रूम, जहाँ से आपकी सारी की सारी क्लासेस और सारा सिस्टम जो है मैनेज होता है। तो वीडियो बनाने के चक्कर में हमारा कंप्यूटर सो गया, इसको ऑन करते हैं पहले। जी, ये रहा आपका मेन, या हमारा मेन, और ये रही हमारी चेयर, इसका भी कवर नहीं निकाला, थोड़े दिन फीलिंग आनी चाहिए कि न्यू है। ओके, सो यहाँ पे हम बैठ जाएंगे आराम से, और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा कंप्यूटर, और इसे हम कहेंगे कि ये फुली लोडेड है। आप इसमें चाहे गेम्स खेल लीजिए, गेम्स की लाइव स्ट्रीम कर लीजिए, या आप चाहे स्टडी लाइव कर लीजिए, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये हैंग हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत पैसा लगा है इसमें, बहुत पैसा लगा है। ओके, तो बहुत पैसा लगा है इसमें, बहुत कॉस्टली है, क्योंकि आपको पता है जो कंप्यूटर है वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे माइक है, इसको हम लगा के दिखाते हैं अभी आपको, एक मिनट, मोबाइल को यहाँ पे रखते हैं। एंड हमारे पास एक वेबकैम भी है, जिसमें शक्ल अच्छी नहीं आती, पहले ही अच्छी नहीं है, फिर ओके, इस तरह से हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, एंड इस तरह से हम आपकी क्लासेस लेते हैं सारी। ओके, तो यहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे आप हमारा जो इंटरनेट है वो भी पूरी तरह से लोडेड है, कोई हैंग नहीं होता है, बल्कि इतनी ज़्यादा क्वालिटी दे रहा है कि सभी स्टूडेंट्स के नेट ही ख़त्म हो रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा क्वालिटी हमने पहले ही कम कर दी है। ये हमारा जो पीसी है, नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट जो सेकंड ब्लॉग मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जो हमारा पीसी है उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कितने का ये आखिरकार पड़ा है हमें, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, मैंने पहले ही कहा है। ओके, सो ये हमारा सारा सेटअप है यहीं से,
और यहाँ पे एक छोटा सा होल आपको दिखेगा अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ये इसीलिए यहाँ पे ताकि कोई भी वायर जो इस करंट मार रहा है, ये भाई करंट मार रहा है, इससे दूर रहेंगे, झटके दे रहा है, कह रहा है मेरे साथ टच नहीं करना, कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी हमने इसकी, बहुत गलत बात है, हो जाता है कभी कभी। आई थिंक हो सकता है इसकी कोई वायर पीछे टच हो गई हो कहीं पे, तभी करंट आ रहा हो, तो इसीलिए डाला है क्योंकि पीछे हमारा क्लासरूम है, यहाँ से डायरेक्ट कैमरा इस होल में से अटैच होगा और डायरेक्टली जो ब्लैक बोर्ड है वो लाइव हो जाएगा वहाँ से, अदरवाइज इतनी लंबी तार लेके जानी पड़नी थी हमें ऊपर और ये पॉसिबल नहीं है। इसको उतार देते हैं अब। आज की क्लासेस बेसिकली हो चुकी है, जो भी क्लासेस थी हमारी, एंड यहाँ पे नीचे हमारा यूपीएस सिस्टम है। यूपीएस काफ़ी आवाज़ करता है आजकल, आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो यूपीएस आवाज़ क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। किस चीज़ की प्रॉब्लम है? पावर सप्लाई की। मैं आपको एक और जो चीज़ है वो दिखाऊंगा, और इसका कवर तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसे हम कहते हैं पेन टैप। आपने देखा होगा पहले स्क्रीन के ऊपर लिखा नहीं जाता था, तो इसके थ्रू जो है हम स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं। ओके, ये है हमारा पेन टैप, पूरी बुक है, इसके ऊपर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर लाइव हो जाता है। ये हमारा पेन टैप है, संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि अगर इसके ऊपर कुछ आ गया ना तो, एंड माइक में तो आपको शोर नहीं आता था, बट यहाँ पे जो माइक में शोर इसलिए नहीं आता है क्योंकि माइक नज़दीक की वॉइस पकड़ता है, बट बाहर रोड है तो इसलिए ये सारी वॉइस पकड़ेगा भी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है अभी। ओके, तो इसको पैक कर देते हैं अच्छे से और इसको डाल देते हैं अगेन इसकी जगह के ऊपर। ओके, सो गाइस, ये हमारी छोटी सी एकेडमी है, एंड बाहर से भी हमने आपको दिखा दिया। अभी मैं छोटा सा ही ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि अभी काम काफ़ी ज़्यादा है। कैमरा मुझे घुमाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं बैक कैमरा से भी आपको दिखाता, तो अभी फ्रंट कैमरा से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का सारा सिस्टम है हमारा। ओके, तो ये हमारा पूरा सिस्टम रहा जिस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। स्टडी के लिए अगर आपके पास इतना है तो भी सफिशेंट है, आप एक कंप्यूटर के साथ भी अच्छा स्टडी चैनल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े, आज तक मैंने जितना भी काम किया वो एक मोबाइल फ़ोन में किया है सारा। ओके, ये तो चलिए अभी लिया है, इससे पहले एक और मोबाइल था मेरे पास जो कि ओप्पो का था A37, तो आपको पता है 10,000 का वो है, 2 GB उसकी रैम है, 16 GB उसकी जो मेमोरी है या स्पेस में आता है, तो वो उतनी जगह कवर करता है, फिर भी हमने उसके काफ़ी तकरीबन मैंने उसमें 700 से 800 वीडियो जो है उसमें बनाई है। ओके, तो ये न्यू है मेरे लिए अभी, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको जो वीडियोज़ है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट थोड़े टाइम के बाद 15-20 दिन का 1-2 मंथ के बाद हम इसमें एकदम प्रोफेशनल वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। ब्लैक मोड भी 2-3 दिन में आ जाएगा, तो वो भी आप फिर 100% एक्यूरेसी में, क्योंकि ब्लैक मोड आएगा तो टीम भी हमारी आएगी, जैसे ही टीम आती है तो हर एक चीज़ आपको एकदम डिटेल में मिलना शुरू हो जाएगी। ओके गाइस, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आपको पता ही है हम किस तरह का काम करते हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इसी तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय बाय बाय। एंड ये करंट मार रहा है, इसकी कवर लेनी पड़ेगी मुझे।